एमपी की मोहन सरकार पशुपालकों के लिए समर्पित भावना से काम कर रही है। सरकार ने पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना और दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना लागू की है। सरकार ने पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने, दुग्ध संघों को सहयोग के लिए जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और सहकारी दुग्ध समितियों को प्रोत्साहन के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश में 65,83,726 किसानों को कार्ड बनाकर जारी किया है। केवल कृषि आय पे निर्भर नहीं रहता किसान, रोजमर्रा के खर्चे के लिए पशुपालन का भी उसके पास व्यवसाय होना चाहिए। और पशुपालन के व्यवसाय होने के नाते से माननीय मंत्री जी के साथ हम गुजरात भी गए थे, अमूल डेयरी वाले के साथ सांची वालों को भी लेके बैठे, कैसे भी करके ये दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाए और उसके परचेस करने के बाद उसके उपयोग की लेकर के सरकार क्या प्रोत्साहन दे सकते, इस पे भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहन सरकार ने सड़क पर गौवंश के चलते लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए टोल नाकों पर हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था की है, जो पशुओं को उठाकर नजदीक की गौशालाओं में छोड़ती है। और इसी तरह पशु चिकित्सा के लिए टोल फ्री नंबर 1962 की व्यवस्था की है। बारिश में जब गीला हो जाता है खेतों के आसपास, तो बैठने की गाय को सूखे में बैठने की आदत रहती है, उसको सूखी जगह चाहिए, तो सड़क से सूखी जगह कहाँ मिलेगी। तो गौ माता हो या नंदी बाबा हो, या आके बैठते तो गाड़ियां निकलती तो पंखे का काम करती, उनके मक्खी मच्छर उड़ते रहते, तो उनको मजा आता, उनको थोड़ी मालूम कि मरने के लिए बैठे। ये संवेदना समझने की जरूरत। तो हमने तय किया कि किसी हालत में अगली बरसात तक हम कोई सड़क पे कोई गौ माता को ऐसे फालतू नहीं बैठने दे। नहीं, मेरी दृष्टि से सब बहुत अच्छा हो रहा है। पहले गायों के लिए 10 रुपये 12 रुपये 8 रुपये थे एक गाय के, गवर्नमेंट ने अब दुगना कर दिया, एम्बुलेंस सेवा कर दी, कहीं भी बीमार गाय हो या एक्सीडेंट वाली हो तो तुरंत उनको उठा के स्थान पर ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, गौशाला में छोड़ते हैं। मोहन सरकार एमपी के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर से राज्य के दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस देने जा रही है। बोनस का लाभ सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियों को दूध बेचने वाले किसानों को दिया जाएगा। हालांकि नए दुग्ध उत्पादक किसान भी इस नीति से लाभान्वित होंगे। किसानों ने सरकार की दूध को लेकर बोनस वाली स्कीम को सराहा है। दूध उत्पादक से एक है कि लोगों की रोजी रोटी चल रही है, और दूसरी बात कि गौ से हमारे कई फायदे हैं, जैसे हमको गोबर दे रही है, उस गोबर से हम खाद बना के खेत में डाल रहे हैं, जिससे जैविक खेती तैयार हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो दुग्ध उत्पादन को लेकर जो बोनस की योजना चालू कर रही है, वो प्रत्येक किसान के लिए बहुत लाभदायक योजना साबित होने वाली है। जो किसान, छोटे किसान हैं, जो अपने पशुपालन करते हैं, जो अपने दूध का व्यवसाय करते हैं, उसको यदि दूध के साथ साथ बोनस का भी लाभ मिलने लगे, तो एक अपने परिवार का भरण पोषण बड़े आराम से कोई भी किसान कर सकता है। दूध या दूध से बना उत्पाद अब किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। किसान अगर पशुपालन करता है तो वो लाभ कमा सकता है। कई ऐसे परिवार हैं जो परिवार का खर्चा ही दुग्ध उत्पादों से चला रहे हैं। किसानों की मुख्य आय का जो साधन है वो अब गाय भैंस ही है, क्योंकि खेती में तो कोई पूर्ति हो नहीं पा रही है, महंगाई ज्यादा है, तो अब तो दूध के ही सहारे हैं, गाय भैंसों के सहारे है। मुरैना जिला दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, मुरैना जिले में पशुधन की संख्या भी अन्य जिलों से ज्यादा है। हालांकि विदिशा दुग्ध उत्पादन के मामले में तरक्की के पायदान पर चढ़ रहा है। विदिशा में 2022-23 में 394.62 हजार मीट्रिक टन दूध की आवक हुई थी, जो 2023-24 में बढ़कर 419.004 हजार मीट्रिक टन हो गई है। जिले में अब तक 13,817 केसीसी हितग्राही हैं, जो पशुपालन केसीसी के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर हैं। किसान विष्णु प्रताप बघेल बताते हैं कि उनके परिवार की माली हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन नाबार्ड योजना से मिलने वाले लाभ के बाद उन्होंने पशुपालन शुरू किया और दूध से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। पहले दूध तो 30 लीटर होता था, मगर रेट नहीं थे। अब नाबार्ड से जुड़े हैं, जब से रेट आए हैं अभी 30-35 के करीब दूध हो रहा है, रेट अच्छे मिल रहे हैं। बड़े स्तर पे 4-5 भैंस भी रखते हैं, गाय रखते हैं, तो उसमें तो काफी हिसाब से अपना पड़ता पड़ जाता है और मार्जिन भी रहता है, तो अपने लिए भी शुद्धता का मिल जाता है। यही वजह है कि प्रदेश में पशुपालन अब लाभ का व्यवसाय बन गया है और किसान गौशालाओं के जरिए पशुपालन कर अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं।